Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लगभग हर धर्म के लोग साथ मिलकर काम करते हैं। यहां धर्म के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। हर धर्म में कई विभिन्न जातियां भी होती हैं। जैसे हिंदू धर्म में एक ब्राह्मण जाति होती है। पुराने समय में ब्राह्मण लोग अधिकतर भगवान की पूजा पाठ से जुड़े कामकाज ही संभाला करते थे। हालांकि अब जमाना बदल गया है और ये लोग अन्य क्षेत्रों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के अंदर भी कई ब्राह्मण समाज के मशहूर सितारे मौजूद हैं। ऐसे में आज हम आपको इन ब्राह्मण सितारों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन सितारों के बारे में। दीपिका पादुकोण 5 जनवरी 1986 को एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ पैदा हुई थी। दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड में टॉप की अभिनेत्री है। वे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी है। 2018 में दीपिका ने ब्राह्मण होने के बावजूद सिंधी परिवार के रणवीर सिंह से शादी रचाई थी। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित फीमेल सुपरस्टार हुआ करती थी। उनके शानदार डांस मूव्स हो या फिर बेमिसाल खूबसूरती, लोग माधुरी के दीवाने हुआ करते थे। माधुरी की पैदाइश मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। उनका जन्म 15 मई 1967 का है। माधुरी ने अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी रचाई है। ब्राह्मण होने के नाते माधुरी काफी संस्कारी भी है। वे भारतीय रीति रिवाजों की पूर्ण वैल्यू करती है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त के घर पैदा हुए संजय दत्त भी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। संजय ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वैसे एक ब्राह्मण होने के बावजूद उनकी लाइफ में नशा बहुत ज्यादा होता था। वे जेल तक जा चुके हैं। इतना ही नहीं, संजय ने अपनी तीसरी शादी एक मुस्लिम महिला मान्यता के साथ रचाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यता का रियल नाम दिलनवाज शेख है। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में इन दिनों बड़े छाए हुए हैं। पंकज का जन्म एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। वे आज जो भी है अपनी मेहनत की वजह से है। इतना नाम और पैसा कमाने के बावजूद पंकज का रहन सहन और बोलचाल बड़ा विनम्र और सादगी से भरा है। उनमें आज भी एक असली ब्राह्मण वाले सभी गुण मौजूद है। अजय देवगन अपनी आंखों से अभिनय करने की कला के लिए फेमस है। वे सीरियस रोल से लेकर कॉमेडी और एक्शन सब कुछ कर लेते हैं। काजोल से शादी रचाने वाले अजय देवगन का जन्म दिल्ली के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 2 अप्रैल 1969 को जन्मे अजय देवगन जात और दिल दोनों से ही असली ब्राह्मण है। अपनी कॉमेडी से फेमस हुए संजय मिश्रा आज बॉलीवुड में अपना परचम लहरा रहे हैं। वे इन दिनों कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। संजय की एक्टिंग बहुत कमाल की होती है। उनकी अदाकारी आपको गुदगुदाती भी है और रुलाती भी है। वे हर तरह के रोल करने में सक्षम है। संजय भी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं।